नाथद्वारा में दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति को लेकर मचा बवाल। जी हाँ, राजस्थान के राजसमंद जिले के अंतर्गत नाथद्वारा शहर में एक विशालकाय मूर्ति की स्थापना हुई। 369 फीट ऊंची इस प्रतिमा का निर्माण करने के बाद वहाँ पर आने वाले लोगों के लिए मनोरंजन के केंद्र बन गया है। वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आते हैं और वहाँ पर बकायदा टिकट की व्यवस्था की गई है। और इसी को लेकर पहले नाथद्वारा के विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ और उसके बाद राजसमंद की सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने यह मुद्दा संसद में उठाया। पहले राजस्थान विधानसभा में यह मामला गूंजा और उसके बाद संसद में इसी मुद्दे पर विचार व्यक्त करते हुए आपत्ति जताई। सांसद ने सदन में कहा कि वे जिस धरा से आते हैं, आन बान और शान की वह वीर भूमि है, महाराणा प्रताप की भूमि है और वे उस महाराणा प्रताप के वंश की बहू है जिसका उन्हें गर्व है। लेकिन उन्हीं के क्षेत्र में नाथद्वारा जो एक धर्म स्थल के नाम से जाना जाता है, लेकिन इन दिनों वहाँ पर एक विशालकाय मूर्ति का निर्माण करने के बाद उसे एक मनोरंजन के रूप में लेना कहीं न कहीं धार्मिक आस्था के साथ आघात है। आप देखिए किस तरह से संसद में महिमा कुमारी मेवाड़ ने अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए इस पर सवाल खड़े किए और साथ ही सरकार का ध्यान आकर्षण किया कि इस पर सरकार को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि उन्होंने राज्य सरकार को भी इसमें दखल देने के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि सरकार को गंभीरता से सोचने विचारने की ज़रूरत है कि धर्म को मनोरंजन के रूप में लेना कितना उचित है। देखिए श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़, सबसे पहले आज मुझे पहले मौका मिला है बोलने के लिए, तो मैं राजसमंद की जो मेरा राजसमंद परिवार है मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे सिर्फ जिताया नहीं है बल्कि राजस्थान की सबसे बड़ी जीत देकर यहाँ पे भेजा है। तो मैंने जैसे उनको बोला था कि मैं उनकी आवाज़ केंद्र में बनूंगी, तो मैं उनको आपके माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि जो भी उनका काम होगा मैं पूरी तरह मन लगा के करूँगी। मैं उस प्रदेश की हूँ जिसको भक्ति, शक्ति और वीरता के नाम से जाना जाता है। मैं उस देश की हूँ जहाँ पर जिसको मीराबाई, रानी पद्मिनी, रानी हाडी और पन्नाधाई से जाना पहचाना जाता है। और ये मेरा गर्व है, मैं उस वंश की बहू हूँ जिसको पूरी दुनिया महाराणा प्रताप के नाम से जानती है। हमारे पुरखों ने कभी भी, चाहे जाति हो, चाहे वर्ग हो, चाहे धर्म हो, उसके हिसाब से नहीं बांटा है, सबको एक साथ लेकर चले हैं और इस वीर भूमि के लिए सबने एक बराबर बलिदान दिया है। आज जब ये मेरा पहली बार मैं चुनकर आई हूँ, पर जिस दिन से मैं आई हूँ ये सुनकर बहुत ही खराब लगता है कि बार बार जाति, वर्ग, धर्म के बारे में भेदभाव हो रहा है। हमारा जो इतिहास है वो 1400 वर्षों के लिए, बहुत अच्छा मीना जी, 1400 वर्षों के लिए से ये लड़ाई लड़ी है। इतना आप खुद समझ लीजिए ना। चलिए आप 1400, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। चलिए 1400 वर्षों से ये लड़ाई लड़ी है और जितने भी 36 कौम है उसको एक माले की तरह पिरो के हम लोग आके लेके गए हैं, पर आज जब यहाँ भेदभाव की बात होती है तो बहुत ही खराब लगता है। आपने इतिहास बता दिया, अब डिमांड लाइए। डिमांड ये है कि जैसे चाहे केंद्र में हो, चाहे स्टेट में हो, हम ये देख रहे हैं कि हर जगह धार्मिक स्थल हैं, उनको हमको धार्मिक स्थल की तरह ही रखना चाहिए, वहाँ पर मनोरंजन की व्यवसाय नहीं करना चाहिए। जैसा मेरे क्षेत्र में नाथद्वारा है, श्रीनाथ जी हैं, तो हम वो उसका एक इतिहास है, उसका एक संस्कार है, उसका एक धर्म है, हमको उसको उसके लिए पूजना चाहिए। चाहे अयोध्या हो, चाहे बद्रीनाथ हो, हमको जिसके लिए हम जाते हैं उसको पूजना चाहिए, दूसरा मनोरंजन नहीं करना चाहिए। वहाँ पर सब सुविधा आप उपलब्ध करिए, पर नाथद्वारा में मंदिर तो है और साथ साथ में उन्होंने एक बहुत बड़ा
अलग तरह का शिव जी का मंदिर ऊंचा मूर्ति बनाई है, जिसमें लिफ्ट से जाते हैं, चप्पल पहन के जाते हैं, अलग तरह की चीजें। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है केंद्र और स्टेट से कि आप लोग धर्म स्थल को जो जैसा है उसी तरह रखिए, धन्यवाद, जो सबकी भावनाओं को चोट ना पहुंचे। आपने मुझे मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने किस तरह नाथद्वारा में धार्मिक स्थल को व्यवसायीकरण को लेकर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि धर्म स्थल के लिए या धार्मिक स्थलों को मनोरंजन के रूप में प्रयोग में नहीं लेना चाहिए या कहीं न कहीं धर्म के विरुद्ध हैं। अब देखिए इसी मामले को लेकर राजस्थान विधानसभा में भी विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने इस मुद्दे को उठाया और करीब 2 मिनट तक उन्होंने इसी मुद्दे पर उद्बोधन दिया। उसमें स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि नाथद्वारा में एक ऐसी मूर्ति है जो न सिर्फ संस्कृति संस्कार की सीख देती हैं, बल्कि दूसरी एक ऐसी विशालकाय प्रतिमा है, मूर्ति है, जिसे धर्म के विरुद्ध बताया। साथ ही विश्वराज मेवाड़ ने कहा कि यह एक अधर्म का प्रतीक है। देखिए राजस्थान विधानसभा में क्या कुछ बोले विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़। नाथद्वारा एक मंदिर मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, जिस मूर्ति से हमें धर्म, इतिहास और संस्कृति की शिक्षा मिलती है। मगर नाथद्वारा में ही मनोरंजन और मंदिर का एक भद्दा मिलाप का उदाहरण एक अन्य मूर्ति से है, जो इतनी विशाल है कि आप उसके अंदर जा सकते हैं और अंदर जाकर उसके कंधों तक चढ़ सकते हैं। मूर्ति का ऐसा उपयोग न तो धार्मिक, न ही नास्तिक, बल्कि अधर्म का प्रतीक ही कहा जा सकता है। आखिरकार धर्म की रक्षा आस्था से की जाती है, दिखावे से नहीं। सांसद और विधायक ने जो मुद्दा बनाया है संसद और विधानसभा में, यह मूर्ति नाथद्वारा में है और नाथद्वारा में इस मूर्ति को बनने में करीब 10 साल लगे। इस मूर्ति के बनने के बाद इसका लोकार्पण किया गया। हालांकि बताया जाता है कि हिंदू धर्मशास्त्र में मूर्ति को स्थापित किया जाता है, प्रतिष्ठा की जाती है मूर्ति की, लेकिन यहाँ पर लोकार्पण किया गया और फिर इसके बाद यहाँ पर मूर्ति के साथ कई मनोरंजन कार्यक्रम यहाँ पर उपलब्ध हैं। जो श्रद्धालु आते हैं उनके मनोरंजन के लिए कई उपक्रम यहाँ पर लगाए गए हैं, चाहे झूले की बात करो हो, लिफ्ट की बात करें, या कई तमाम लोगों के वहाँ मनोरंजन के साधन वहाँ उपलब्ध करवाए गए हैं और बाकायदा इसके टिकट रखा गया है, जो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए टिकट बुकिंग होती हैं और उसके आधार पर वो उस अंदर प्रवेश करते हैं। और इसी को लेकर उन्होंने ये सवाल उठाए हैं सांसद और विधायक ने और इसको अधर्म का प्रतीक बताया और साथ ही केंद्र और राज्य सरकार को इसमें दखल देकर कोई उचित कदम उठाने की मांग भी उठाई है। ये मामला जब ये मूर्ति स्थापित हुई थी तब भी क्षेत्र के संतों ने भी सवाल उठाए थे। संतों ने कहा कि जूते चप्पल पहनकर कोई भी ऊपर प्रतिमा पर नहीं जा सकता, यह धर्म के विरुद्ध है, हिंदू धर्म सनातन धर्म के विरुद्ध बताया। और संतों की चेतावनी के बाद उस वक्त जूते पहनकर ऊपर जाना वर्जित कर दिया था, लेकिन प्रतिमा के ऊपर आज भी श्रद्धालु लोग ऊपर चढ़ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं और नाथद्वारा क्षेत्र का विहंगम नज़ारा भी उस ऊंचाई से देख रहे हैं। 369 फीट यह ऊँची प्रतिमा है। इस मामले में विधानसभा और संसद में यह मामला उठने के बाद राज्य और केंद्र सरकार अब क्या कुछ कदम उठाती हैं देखने वाली बात होगी। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ, धन्यवाद।